लालकुआ डिवीजन के गोला खनन निकासी गेटों में अवैध कच्ची शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस के युवा विधानसभा अध्यक्ष कमल दानू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग जिला अधिकारी के नाम तहसील पहुंचकर रजिस्टर कानूनगो मोहित बोरो को ज्ञापन सौंपा और मांग करते हुए कहा कि खनन निकासी गेटों में अवैध कच्ची शराब के कारोबार को बढ़ावा दे रहे लोगों को जेल भेजा जाए, नहीं तो क्षेत्र में उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहां लालकुआ डिवीजन के गोला निकासी खनन गेटों में बिक रही अवैध कच्ची शराब को लेकर आज तहसील पहुंचे कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमल दानू के नेतृत्व में शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी के नाम रजिस्टर कानून मोहित बोरा को ज्ञापन सौंपा। देखो, क्षेत्र में बहुत लंबे समय से कच्ची शराब के जितने भी तस्कर सरगना हैं, इनका गठजोड़ क्षेत्र के नौजवानों को, क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को बुरी तरीके से बर्बाद करते हुए आ रहा है। और ये मैं समझता हूँ, मैं ये प्रशासन पर भी आरोप लगाता हूँ कि प्रशासन को जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हालिया प्रकरण आया है कि बिंदुखत्ता, हल्दूचौड़ सहित जितने भी खनन गेट हैं, इन गेटों पर कच्ची शराब, स्मैक, चरस और अवैध शराब की बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है, जिससे क्षेत्र में एक भय का माहौल बना हुआ है, अपराध का माहौल बना हुआ है। लेकिन प्रशासन इस बात से को देखकर भी अनदेखी कर रहा है, ये बड़े दुख की बात है। मैं आज हम लोग अपने यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं कि अगर समय रहते इस मामले में गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो यूथ कांग्रेस इस मामले को लेकर आंदोलित भी होगा और प्रशासन, सरकार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आज हम आगाह करना चाहते हैं कि वो इस पर समय रहते नकेल कसी जाए। देखिए, लालकोट डिवीज़न के चार पांच गेटों में, जैसे कि देवरामपुर हो गया, हल्दूचौड़ हो गया और बेरीपड़ा हो गया, मोटा हल्दू हो गया, शराब माफिया निडर होकर कच्ची शराब की तस्करी कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में क्षेत्रवासी भी नशे में प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसी संबंध में आज हमने तहसीलदार महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि हमने ये मांग कर रखी है कि जल्द से जल्द इन शराब माफियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा अगर जल्द से जल्द इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो क्षेत्र की जनता के साथ हम जन आंदोलन में बाध्य रहेंगे।